हेलो स्टूडेंट, मैं अव्यान एकेडमी से मनीषा नेगी, जो CSIR नेट लाइफ साइंस की कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सो आज के लिए मैंने जो आप लोगों के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रेगुलेशन है ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ इन बैक्टीरिया इन ईकोलाई। मेनली जो जीन का रेगुलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कोई भी प्रोटीन अगर बन रहा है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो हमेशा किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऑल द टाइम वैसे नहीं होती है। ठीक है, सो हमें उस टाइम पे जो भी एनर्जी है उसको हमें स्टोर करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरह से वेस्ट नहीं करना होता है कोई भी एनर्जी, तो उस एनर्जी को वेस्ट ना करने के लिए हम एक रेगुलेशन पाथवे भी रखते हैं, जिसमें हमें जब जिस प्रोटीन को बनाना ज़रूरी है तभी वो प्रोटीन क्या हो, सिंथेसाइज हो। तो इसलिए जो प्रोसेस है दैट इज़ जीन रेगुलेशन। और जो जीन को हम रेगुलेट करते हैं, मतलब किसी भी जीन का एक्सप्रेशन को अगर रेगुलेट करना है, तो मेनली जो स्टेप है, जिस स्टेप पे हम उसे रेगुलेट करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ठीक है, सो जैसे ये बैक्टीरिया का केस है, तो आप लोगों को पता होगा जीन्स होते हैं DNA में। ठीक है, सो DNA में से जो भी जीन्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जिसका एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होगा, उसको अगर हमें बनवाना है तो हमें उस रीजन से उसको क्या करना पड़ेगा, सिंथेसाइज, मतलब उसका प्रोटीन बनाना पड़ेगा। और ये मेनली आपका मॉलिक्यूलर बायो में आता है। ठीक है, जिसमें जो जीन है उसका एक्सप्रेशन के लिए जो मेजर स्टेप्स हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे उस जीन का क्या बनेगा, mRNA। ठीक है, थ्रू DNA। सो DNA का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, देन mRNA बनेगा, mRNA से ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, और फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। सो मैंने ये जो टॉपिक लिया आज का, उसमें हम जीन का रेगुलेशन देख रहे हैं बैक्टीरिया के केस में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया का DNA होता है, ठीक है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब उसमें एक ही DNA में मल्टीपल जीन्स होते हैं, और वो मल्टीपल जीन्स का एक ही टाइम पे क्या होता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, सो मल्टीपल जीन्स लाइक जैसे बैक्टीरिया के केस में ऑपरॉन मॉडल है। सो ऑपरॉन मॉडल में जो मेनली ये तीन जीन्स होती हैं, ठीक है, सो ऑपरॉन क्या होता है पहले तो, सो ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, इसमें एक तो लैक आई रीजन होता है जो रिप्रेसर को कोड करता है। ठीक है, रिप्रेसर आपको पता होगा कि जो रिप्रेसर्स होते हैं वो किसी भी DNA के और जीन के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, रिप्रेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेंगे, रिप्रेस, अगर वो रिप्रेसर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ से लैक आई से रिप्रेसर का सिंथेसिस होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस। सो ऑपरॉन में जो ऑपरॉन मॉडल जो इन केस ऑफ ईकोलाई, उसमें जो ऑपरॉन है उसमें एक लैक आई रीजन होता है जो रिप्रेसर को कोड करता है, पी से प्रमोटर रीजन है, यहीं से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लस वन यहाँ पे इनिशिएटर साइट होती है। ठीक है, सो वहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ऑपरेटर रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हम ऑपरेट, जो ऑपरेटर है, ठीक है, वो ऑपरेट करता है इस पूरे प्रोसेस को। देन यहाँ पे जो हमारी तीन जीन्स हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जीन्स हैं, वन इज लैक जेड, ठीक है, लैक वाई एंड लैक ए, ये जो तीनों जीन्स हैं इनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल जीन्स प्लस ऑपरेटर रीजन प्लस प्रमोटर प्लस लैक आई रीजन, ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसे हम कहते हैं ऑपरॉन। ठीक है, सो एक यूनिट है जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और इसी को ऑपरॉन कहते हैं। ठीक है, सो दिस मॉडल वॉज गिवन बाय जैकॉब एंड मोनोड इन 1961। ठीक है, कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, कि ये मॉडल किसने दिया था, सो जैकॉब एंड मोनोड ने 1961। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका जो सोर्स है, मतलब जो उसके सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ फूड, और मेनली वो कार्बन सोर्स होता है, तो उसके लिए उसे जो उसका मीडियम है, अगर उसमें ग्लूकोज है, शुगर, ठीक है, तो मेनली हमारा जो कार्बन सोर्स है वो हमें शुगर से ही मिलता है। सो एक शुगर होती है ग्लूकोज,
और एक होती है लैक्टोज, ठीक है। सो बैक्टीरिया, अगर मीडियम में ये दोनों शुगर प्रेजेंट हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले जो उसका प्रेफरेबल शुगर और जो सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है। मतलब मीडियम में अगर दो शुगर हैं, ग्लूकोज और लैक्टोज, तो वो सबसे पहले ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जब ग्लूकोज का एग्जॉस्ट हो जाएगा या ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, उसके बाद जो उसका सेकेंड सोर्स होता है वो होता है लैक्टोज। तो अगर मीडियम में दो शुगर प्रेजेंट हैं तो इकोलाई सबसे पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा अपने कार्बन सोर्स के लिए, देन लैक्टोज को, ठीक है। सो इसका एक कर्व भी बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायऑक्सिक, ठीक है। सो कर्व इज डायऑक्सिक ग्रोथ, ठीक है, जिसमें पहले वो ग्लूकोज को क्या करेगा, कंज्यूम, उसके बाद जब ग्लूकोज का लेवल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर वो किसको स्टार्ट करेगा लेना, लैक्टोज को, ठीक है। सो इस ग्रोथ को कहते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ, ठीक है। सो अब क्या होता है कि अगर मीडियम में पहले तो ये जो लैक ऑपरॉन है ये एक इंड्यूसेबल ऑपरॉन है, ठीक है, और ये दो तरीके से रेगुलेट होता है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेगेटिवली कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। नेगेटिवली रेगुलेट कैसे होता है कि जब ऑलरेडी यहाँ पे हमारे जो मीडियम है उसमें अगर वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, तो लैक्टोज को अभी मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करना और इनका बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो जीन्स हैं मेनली क्या करते हैं, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो लैक जेड है, ठीक है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करते हैं। जो लैक वाई जीन है वो परमेज को बनाते हैं, ठीक है। जो लैक ए जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को बनाते हैं। मतलब ये जो तीनों जीन है ये तीन एंजाइम बनाते हैं, और जिसमें जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद जो परमेज है, ठीक है, इसका काम है कि लैक्टोज को ये सेल में एंटर करवाता है, ठीक है, सेल के अंदर एंट्री जो प्रोवाइड करवाएगा लैक्टोज को, दैट इज दिस एंजाइम परमेज। और जो थर्ड एंजाइम है दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, इसका मेनली वैसे काम होता है कि कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन को करना, मतलब अगर कोई टॉक्सिसिटी ना हो जाए सेल में, तो उसके लिए ये जो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उन पे ये क्या ग्रुप ऐड करता है, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो मेनली ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये एसिटाइल ग्रुप कहाँ से लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम से, और फिर इस एसिटाइल ग्रुप को ये किसी भी जो वैसी सब्सटेंस है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है उस पर ये एसिटाइल ग्रुप लगा के डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करता है एंजाइम। तो ये तीन एंजाइम जो है इनका ये मेजर फंक्शन है। अब अगर इकोलाई को लैक्टोज की मतलब अभी मेटाबॉलिज्म उसको नहीं करना है, तो उसको इन जीन्स का क्या नहीं करना है, एक्सप्रेशन नहीं करना है, ठीक है। क्यों वो इनका एक्सप्रेशन करेगा जब उसको लैक्टोज मीडियम में मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो ग्लूकोज को अभी प्रेफरेबल शुगर लेके कंज्यूम कर रहा है। तो तब इस मॉडल को क्या होना है, स्टॉप, ठीक है, तब हमें इस मॉडल को क्या करना होगा, स्टॉप, और इस मॉडल को ऑफ स्टेट में रहना होगा। अब ये ऑफ स्टेट में कैसे रहेगा, ठीक है। सो ऑफ स्टेट में रहने के लिए ये जो लैक आई रीजन है यहाँ से एक रिप्रेसर बनता है, ठीक है, ये रिप्रेसर है जिसे कहते हैं, ये रिप्रेसर है, ठीक है, ये रिप्रेसर जब कोड होता है, ठीक है, सो ये जाके हमारे ऑपरेटर साइट से बाइंड कर जाता है, ठीक है, रिप्रेसर। और ये रिप्रेसर जो होता है ये टेट्रामर फॉर्म में होता है, ठीक है, टेट्रामर फॉर्म मतलब इसके पास फोर सब यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये फोर सब यूनिट्स जाके ऑपरेटर साइट से बाइंड हो जाती हैं। और जब रिप्रेसर ऑपरेटर साइट से बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेजर जो एंजाइम है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज,
ठीक है। सो पॉलीमरेज फिर यहाँ से ठीक है क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा इन जीन्स का। तो इस स्टेट में ये जो लैक ऑपरॉन है ये क्या हो रहा है, नेगेटिवली रेगुलेट हो रहा है बाय दिस रिप्रेसर, ठीक है। सो ये रिप्रेसर जब ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ऑपरेटर जो रीजन है इस पे ये बाइंड होके यहाँ से पॉलीमरेज को क्या कर देगा, यहीं पे स्टक कर देगा और वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब ये तीनों एंजाइम जो हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी वो नहीं बनेंगे, ठीक है। सो ये नेगेटिवली ऐसे रेगुलेट होता है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिवली कैसे रेगुलेट होता है, सो अब पॉजिटिवली कैसे ये रेगुलेट होगा, जब हमारे मीडियम में उसने लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स अब वो यूज करना स्टार्ट कर रहा है, तो लैक्टोज को यू जैसे ही मीडियम में लैक्टोज होगा ठीक है, तो लैक्टोज का ही क्या होता है, एक एलो लैक्टोज बनता है, ठीक है। लैक्टोज का जब आइसोमराइजेशन करते हैं ठीक है, लैक्टोज का जब आइसोमराइजेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एलो लैक्टोज, ठीक है, और इसको कहते हैं इंड्यूसर, ठीक है। ये जब एलो लैक्टोज बनता है तो ये जाके क्या करता है, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ ये रिप्रेस मतलब इंड्यूसर जाके क्या करता है, बाइंड। और ये जब रिप्रेसर से बाइंड करता है तो रिप्रेसर का जो अपना स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है और रिप्रेसर का क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब कि ये अब इस ऑपरेटर साइट से बाइंड नहीं कर पाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिप्रेसर इनएक्टिव, ठीक है। सो इंड्यूसर ठीक है यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहा है, पॉजिटिवली रेगुलेट करवा रहा है इस ऑपरॉन मॉडल को, ठीक है, रिप्रेसर से बाइंड करके उसको इनहिबिट करके उसको इनएक्टिव करके। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर साइट अब वेकेंट रहेगी, ठीक है, और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट, और ट्रांसक्रिप्शन तब ऑन हो जाएगा और आपका जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये जो एमआरएनए है ठीक है ये बनेगा, और इससे आपके जो तीन मतलब जो ऑपरॉन मॉडल में तीन एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज, इनका सिंथेसिस होगा, ठीक है। सो ऐसे ये पॉजिटिवली रेगुलेट होता है, ठीक है। और एक और हम इसमें इंड्यूसर को अगर एक केमिकल होता है उसको भी हम एज ए इंड्यूसर यूज़ करते हैं जब हमें पॉजिटिवली रेगुलेट करवाना हो, दैट इज़ IPTG, ठीक है, आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं जिससे लैक ऑपरॉन पॉजिटिवली और नेगेटिवली रेगुलेट होता है। सो ऑपरॉन इज़ ए इंड्यूसेबल सिस्टम। प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।